अभी देखो ये लोग बोल रहे थे कि नहीं लेंगे, अभी ले रहे तो ये लोग बोल रहे कि खुला है ही नहीं, बताओ। आप लोग बोल रहे थे ना कि नहीं लोगे, अभी ले रहे तो ये बोल रहे कि खुला नहीं है। और ये इन्होंने बोला था 300 का, हमने 100 में सेट कर लिया इनसे। तो 50-60 साल के बाद हम भी पंडा बन के यहीं पर यहाँ पर या बाबा धाम में कहीं बैठ जाएंगे पंडा बन के, लेकिन अभी फिलहाल पंडा से पूजा हमको करवाना है। जब मेरा 50-60 साल हो जाएगा तब तो हम पंडा बन के यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग नहाएंगे और मस्ती करेंगे। सुनो ना, चलो सबसे कोना में जा रहे नहाने के लिए ताकि उधर कोई देखे ना, उधर एकदम कोना में उधर चलो नहाते आराम से, इधर गंदा मिलेगा, इधर ही नहा लो, यहीं पर नहाना है। हाँ नहा लो ना, इधर तो यहाँ पर नहाएंगे। अब यहाँ पर सब चीज शुद्ध हो जाएंगे, हम लोग जितना पाप उप किए थे ना सब पाप धोवा जाएगा। वैसे पूरा का पूरा सब पाप नहीं धोवाता, जो अनजाने में पाप किया जाता है वही पाप धोवाता है सिर्फ। पूरा का पूरा पाप धोवा जाता तब तो कुछ बात ही अलग था। यहीं पे नहाएगा? हाँ यहीं पे नहा लेते हैं, यहाँ पे नहा, यहाँ पर नहाते हैं। तो अभी फिलहाल कपड़ा वपड़ा खोल लिए हैं, चड्डी में आ गए हैं, अब नहाएंगे। तो पूरा का पूरा पानी हमको पता है ठंडा होगा, तो इसको फोन दे दे रहे और हम नीचे जाके नहाएंगे। क्या है कि एक बार फोन लेके पानी में उतरे थे ना, वो बोला आईफोन तो मेरा आईफोन चल गया, पानी में डूब गया, पैसा मेरा बर्बाद हो गया, इसीलिए अब एंड्रॉयड है मेरा पास, तो एंड्रॉयड भी हम पानी में लेके नहीं घुसेंगे हम लोग। चलो अब गंगा मैया का दर्शन करते हैं, पानी में घुसते हैं, मजा लेते हैं, वीडियो बना लें। तो पानी का पूरा ठंडा है, लेकिन तब भी जाएंगे इसके अंदर और स्नान करते हैं। ठंडा है तो क्या हुआ, पूरा का पूरा काई लगा हुआ है यहाँ पर, पूरा का पूरा फिसलन है। उस रस्सी के पार मत जाना, क्या रस्सी के पार मत जाना, गड्ढा है, रस्सी के पार में गड्ढा है ना। हाँ पूरा का पूरा ठंडा पानी है, गर्दा एकदम लग रहा है 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा, इतना ठंडा पानी, ठंडा लग रहा है पूरा, है ठंडा। और यहाँ पे देख लो सब लोग स्नान कर रहे हैं, हम लोग दोपहर का समय में आए हैं स्नान करने, इसीलिए भीड़ बहुत कम है स्नान टाइम, बहुत ठंडा लगता हो, इसी में रहने दे कि दूसरा वीडियो कर दे। और थोड़ा सा आगे जाओ तो रस्सी पकड़ो के जाओ ना, महाकाल का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत ठंडा लग रहा है लेकिन बहुत आनंद भी आ रहा है। तो गाइस क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद ना इतना मजा आ रहा है ना, गंगा जी में आके इतना मजा आ रहा है ना, बनारस में बहुत 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 मजा आ रहा है। मेरा टीकिया देखिए कहा हुआ, अभी मेरा जनुआ भी नहीं हुआ, जनुआ भी होगा तो यहाँ से होगा या बाबा धाम से होगा, और उसका वाला जो तगड़ा वाला ब्लॉग है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। गंगा जी का दर्शन करते हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। बहुत मज़ा आ रहा है, अब थोड़ा साबुन उबुन लगाते हैं, शैम्पू उम्पू लगाते हैं,
उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी मस्त नहा वहा के रेडी हो चुके हैं, एकदम फ्रेश हो गए हैं पूरा का पूरा। कैसा लग रहा है बताओ कमेंट बॉक्स में। और नहाने के बाद जो पूरा का पूरा माइंड है ना, पूरा का पूरा मस्त लग रहा है। और जितना पाप किए थे सब पाप धोवा गया, वैसे तो जो अनजाने में पाप हुआ था वही सब पाप धोवाया, जो जानबूझ के पाप किए थे वो पाप नहीं धोवाया। और जानबूझ के वैसे कुछ पाप ही नहीं किए हम, जो जितना पाप किए थे सब पाप धोवा गया। महाकाल का आशीर्वाद है और गंगा मैया का आशीर्वाद है, सब पाप धोवा गया। चलो अभी उधर अपने माथे पे टिक्का वगैरह लगाते हैं और पंडे का आशीर्वाद लेते हैं। और उधर थोड़ा शमशान वगैरह भी जाएंगे घूमने के लिए, घोरी से भी मिलेंगे। और हमको ये रुद्राक्ष भी लेना है, तो चलो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या करते हैं, सब आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है शायद, चेयर वगैरह लगाया हुआ है, किस चीज़ का प्रोग्राम हो रहा है कुछ पता नहीं, देखते किस चीज़ का प्रोग्राम हो रहा। यहाँ पर शायद मंदिर कमेटी लोग बैठेंगे अभी संध्या आरती का यहाँ पर अभी आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी आने वाले। खास बात ये है कि आज शाम में यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं यहाँ पर संध्या आरती के लिए, इसीलिए यहाँ पर इतना मतलब डेकोरेशन वगैरह हो रहा है और भी शोभा होगा। और रात में शाम में मतलब क्या क्या प्रोग्राम होगा कुछ पता नहीं, अगर शाम में यहाँ पर रहते ना तो सब चीज दिखाते, लेकिन शाम में यहाँ नहीं रहेंगे। 8 बजे हम लोग का ट्रेन है गया का, गया जंक्शन का, तो 8 बजे का ट्रेन से हम लोग गया जाएंगे, काशी से गया। और इधर पूरा का पूरा श्री राम का एकदम लगाया हुआ नहीं अभी, चलो ना तिलक लगा लेते हैं थोड़ा सा, तो अभी सबसे पहले तिलक लगा लेते हैं उसके बाद इधर रुद्राक्ष लास्ट में देखेंगे। 108 माला लेना है हमको, यहाँ पर वैसे बहुत सस्ता मिलेगा और ओरिजिनल रुद्राक्ष यहीं पर मिलेगा। अभी यहाँ पर खोस लेते हैं, अब आवाज कैसा आ रहा है बताओ आप लोग। मेरा पूरा का पूरा हाथ दर्द दे रहा है। अभी जा रहे शमशान घाट की ओर, इसको बोले थे हमको शमशान घाट की तरफ लेके चलो, जा रहे शमशान घाट की तरफ। इधर देख सकते हो इधर रुद्राक्ष मिल रहा है और गांजा पीने का पदार्थ मिल रहा है यहाँ पर, देखो चिलम। और इधर काफी क्यूट क्यूट लड़कियां भी है, लेकिन हमको कोई भाव नहीं दे रही क्योंकि हम कलुआ जैसा लग रहे। महाकाल का आशीर्वाद रहा गंगा मैया का, तो कलुआ से हीरो बन जाएंगे, हीरो बनाने वाले सिर्फ आप लोग हैं, तो आप लोग बस सपोर्ट दिखाओ तभी आगे जाएंगे। और भैया हमारे ब्लॉग में आ गए। भैया तुम कहाँ से आए हो? हम धनबाद से आए भैया। हम दिल्ली से आए भैया, और कैसे हो? बस मस्त, अपना बताओ। दिल्ली कल जा रहे हैं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ओके ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है।